अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ARY की आज 5वीं सालगिरह है। 5 साल हो गए आपको ARY के मुख्तलिफ चैनल्स देखते हुए। इतने कम अरसे में इतनी शोहरत पा लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ी मेहनत का काम है और जितनी मेहनत ARY वालों ने की है उसको हमने सुना नहीं है, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए यकीन करना पड़ता है। सालगिरह की खुशी में हमने दावत दी है। ARY के तो कई मालिक हैं, उन मालिकों में से एक मालिक को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले ARY की 5वीं सालगिरह पर। तो तेरे को क्या है? नहीं, आज खुशी का दिन है सर। फनकारों के लिए होगा खुशी का दिन। क्या मतलब? बुरे प्रोग्रामों की पेमेंट करो, बुरी सीरियल की पेमेंट करो, बुरे कॉम्पेयर की पेमेंट करो, बुरे स्क्रिप्ट की पेमेंट करो। हम लोग ये है ने, पहले सोने का कारोबार करते थे, चैनल खोलने के बाद जो है ने रोने का कारोबार करते। पहली दफा पाकिस्तान में सेठों की आंखों में आंसू तैरे ले और तू बोलता है कि 5वीं सालगिरह मुबारक हो। सर आपके जितने चैनल हैं वो तो सही चल रहे हैं सर, ठीक चल रहे हैं, खुशी की बात है सर। खुशी की बात है जी, सारे चैनल सही चल रहे हैं जी जी, खुशी की बात है जी सर। सालगिरह भी है आज, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा तेरे को है ने? नहीं सर, तू तो बात करने की भी पेमेंट लेते हो ने तुम लोग। नहीं सर, मैं कह रहा था केक काटना हो, केक काटेंगे आप आज? कौन? खुशी में। तू काट ले, तू काट, पैसे तो तू लेता है बात करने के, तो तू काट। 1000 रुपये लेता है तू 1 मिनट के, तो तू काट। मेरे को काहे को बोलता है सालगिरह मुबारक हो? सर चैनल का फायदा जो है वो एक साथ नहीं होता है। मैंने तेरे को बोला नहीं, 1000 रुपये लेता है ना तू? कितने लेता है? 1000 रुपये फी मिनट लेता है। टेम्पो तेज कर, टेम्पो तेज कर, तेज कर, तेज टेम्पो कर। हमारा मीटर बंद है, तेरा मीटर चालू है। आप लोगों के दिल में टीवी चैनल खोलने का ख्याल कैसे आया? तू दूसरे प्रोग्राम इस टेम्पो में काहे को नहीं करता है कि हमारी पेमेंट कम हुए? सर ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेज़बान को एक तहजीब से बात करना चाहिए। आपके दिल में कैसे ख्याल आया टीवी का चैनल खोलने का? हम लोग ये हैं ना 4 भाई, 4 ब्रदर। मेरे को एक पोयम याद आ रही है, 4 भाई घर से निकले, चारों ही थे नेक। एक भाई ने चैनल खोला, बाकी रह गए 3। 3 भाई जो बाकी रह गए वो भी बन गए पार्टनर। 4 भाइयों को मालूम हुआ ये तो है एक चक्कर। सारे गरीब अमीर हो गए, सेठ हो गए फक्कर। चेक 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 चेक, हर वक्त चेक मांगते रहते हैं। सर ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। अच्छा कैसा कहना चाहिए फिर? अल्लाह ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, फ्री में बांटने के लिए थोड़ी दिया है। अभी एक कौवाल है, वो आया मेरे पास, कहने लगा 25,000 एडवांस चाहिए। मैंने बोला काय को? कहने लगा कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और उसको ट्विन यानी जुड़वा होने वाले हैं। मैंने बोला उसमें क्या एक ARY डिजिटल का है जो तू मेरे से पैसे एडवांस मांग रहा है? तो रोने लगा, कहने लगा बहुत ज़रूरियत है। मैंने बोला भाई ज़रूरियत है तुमको तो ट्विन पैदा करने की क्या ज़रूरत है जब पैसे नहीं है? तो सिंगल में काम चलाते हम लोग को देखो, इतने पैसे वाले, लेकिन हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, तो तुम लोग काहे को ऐसा रिस्क लेते हो? खैर बहुत रोया गया नहीं तो मैंने उसको 25,000 रुपये दे दिए। ऐसी बुरी कवाली रिकॉर्ड करा के गया है, ताली ऐसे बजा रहा था जैसे लग रहा था कि डॉक्टर को बुरी बुरी सुना रहा हो।
फनकार परेशान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ARY डिजिटल, ARY वन वर्ल्ड, ARY म्यूजिक, ARY इंडिया, QTV, सिटी चैनल, ये सब चैनल चल रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं। तू ऐसे तारीफों के डोंगरे बरसा रह रहा है, क्या तेरे को भी एडवांस की जरूरत है? सर, जो फनकार होते हैं उन्हें एडवांस तो हमेशा चाहिए होता है। तो अभी इस एज में तेरा तो ट्विन का कोई चांस नहीं है, फिर एडवांस काहे को मांग रहे ले? चले, आज खुशी का दिन है, 5वीं सालगिरह है, और मुझे कुछ कहना था मगर अब नहीं कहूँगा आपसे। हाँ, मत बोल। मगर मुबारक दिन है, लोग तेज बात कर, स्पीड पकड़, स्पीड पकड़। 1000 रुपये लेता है, 1000 रुपये पर मिनट लेता है। ये तुम जितने आर्टिस्ट हो ना पुराने, ये सब पुरानी टैक्सियाँ हैं। क्या क्या कहा आपने? पुराने जितने एक्टर हैं ना, ये सब पुरानी टैक्सियाँ हैं। ये एक मील चलती हैं 200 रुपये का बिल बनाते हैं, फिर थोड़ा सा और चलते हैं 700 रुपये मांगते हैं, राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो 1500 रुपये मांग लेते हैं। सर, फनकार जो मुआवजा मांगते हैं वो मेहनत करते हैं। अच्छा, वो अपनी मेहनत का मुआवजा मांगते हैं आप लोगों से। तो हम क्या धकेती करते हैं? हम भी तो मेहनत करते हैं ना। ये सारे फनकार जो सर बड़े फनकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये चल, मैं ये चैनल जो है ना तेरे नाम पे कर देता हूँ। तू मेरे को एक फनकार बता जो मेहनत करता हो, एक फनकार बता जो मेहनत करता हो। चले आते हैं इधर, आके बोलते हैं कि जी गजल गाना है। ठीक है, गजल गाना है। मैंने बोला भाई ये बता कि आप कब से गा रहे हैं, गलती हो भी मैंने ऐसा पूछ लिया। तो मैंने ऐसा जब पूछा तो उसने जेब में से एक सियासी पार्टी का कार्ड निकाला, मेरे को दिखाया। मैंने फिर भी सवाल किया, मैंने बोला भाई वो सब ठीक है लेकिन आप कब से गा रहे हो? तो कहता है ये कार्ड देखने के बाद इस सवाल की गुंजाइश नहीं रहती है। किस सियासी पार्टी का कार्ड था सर? हैं, किस सियासी पार्टी का कार्ड था? बताता हूँ, एक मिनट, फोन है। हेलो बीबी, मैंने आपको पहले भी बोला नहीं कि आपकी सीरियल जो है वो ARY पे नहीं चल सकती है। भाई उसमें सारी आर्टिस्टों ने फुल कपड़े पहने हुए हैं, वो इधर नहीं चलती, हमारा टाइप नहीं है ये। जी आप किसी और चैनल पे ट्राई करें ना, अभी नए नए 2-3 चैनल खुले हैं उस पे दिखाएं। मैं पूछा था आपसे वो कार्ड जो लेके आए थे गजल गाने वाले। तो ब्रेक ले, मैं तेरे को बताता हूँ कौन सी सियासी पार्टी थी। नहीं आप बताएं, बताएं। मैं बताऊंगा, ब्रेक ले। नहीं आप बताएं ना, आप क्या बताऊं? बड़े निडर चैनल है ARY। अरे तो सियासी पार्टी वाले का नाम बताएं मुझे, जिस कार्ड बताऊं बताऊं। अरे मैंने इंक्वायरी कब किया है? कब बताएंगे? ब्रेक ले, मेरे को एक जरूरी फोन करना है। ये चार फोन इतना समझ में नहीं आए, चार फोन किसके हैं? ये एक रज्जाक भाई का है, एक इकबाल भाई का है, एक जानी भाई का, एक मेरा है। तो ये तीनों आपके पास कैसे हैं? ये तीनों जो है आउट ऑफ कंट्री हैं, ये मैं इधर हूँ। आप लोग इश्तहार देखें, गुफ्तगू जारी है। जी सर, वफा खत्म हो गया। हाँ भले। सर साहब, बात ये है कि शुरू शुरू में आप लोगों ने बगैर देखे प्रोग्राम्स खरीद लिए। वो क्या है कि वो सिलसिला अभी भी जारी है, मगर अब तो आपके चैनल्स पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। किधर से अच्छे प्रोग्राम आएंगे? चेहरे तो वही पुराने हैं, वही पुराने लोग हैं, तो अच्छे 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 प्रोग्राम कहाँ से आएंगे? अभी आप अपनी मिसाल ले लो, 3.5 साल से तो तू लूज टॉक कर रहा है, तो अच्छे प्रोग्राम कहाँ से आएंगे? देखो 100 किस्तों की सीरियल बनाते हैं, 100 किस्तों की सीरियल बना के ला के देते हैं। अगर उसमें से रीकेप निकाल दो और अगली किसकी झलक निकाल दो तो बाकी बचती हैं 22 किस्तें। 100 में से और पेमेंट मांगते हैं 100 किस्तों के, और वो भी 3 लाख रुपए फी एपिसोड, और साथ में लेके आ जाते हैं ड्रामे की हीरोइन को। वो आके ऑफिस में बैठती है, बालो इसे बैठती है, बात करती है, और आते ही फरमाइश करती है कि सेठ साहब चिकन पेटीज मंगाइए। अभी क्या है कि चिकन पेटीज 20 रुपए की एक आती है,
चार पेटीज वो खा जाती है तो क्या है कि बातचीत शुरू होने से पहले 80 रुपये का नुकसान हो गया। नहीं, फिर उसके बाद क्या करती है, ऐसे पिन खोलती है, बालों के ऐसे बाहर खोल देती है और बोलती है, सेठ साहब इधर तो बहुत गर्मी है, हैं? और पर्स में से लिपस्टिक निकाल के ऐसे अपने पतले होठों को मोटा करती है और देख के मेरे को बोलती है कि सेठ साहब यकीन करें ऐसी सीरियल यहाँ बनी ही नहीं। तो ये बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि तू मेरे को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा है ना, कुछ नहीं है, फोकल है फोकल। एक डायरेक्टर आया, मैंने बिठाया उसको ऑफिस में, मेरे से कहने लगा सर मैंने एक सीरियल बनाई। मैंने कहा लाओ उसकी पहली किस्त दिखाओ। तो मेरे को क्या बोलता है, बोलता है कि सर वो जो सारी किस्तें हैं ना वो उधर स्टूडियो में गिरवी हैं, 22 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया है, आप 22 लाख रुपए दे दो, मैं कल आपको पहली किस्त दिखा दूंगा। मैंने बोला भाई मैंने जिस चीज़ की झलक नहीं देखी है उसके 22 लाख रुपए तो एडवांस मांग रहा है, मैं कैसे तेरे को दे दूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि घंटी बजाई, तो कहने लगा अकाउंटेंट। मैंने बोला नो, चपरासी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा वो आपको इज्जत से गाड़ी तक छोड़ के आएगा। फिर मैंने उसको जाते हुए बोला तेरे पास एक फ़ोटो है तेरी? कहने लगे एल्बम में लगाएंगे। मैंने बोला नहीं, गेट पे लखवानी है। एक मिनट, हेलो, हाँ गेट, ये सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं सर? वो ठीक है कि आप एक बहुत मशहूर सियासतदान हैं लेकिन आवाम आपका फेस देखना नहीं चाहती है, मैं आपको अपने चैनल पे कैसे लेके आऊँ? ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। गुस्से में काट दिया। मगर सर आप लोगों को ड्रामा बनाने से नहीं रोक सकते। बनाए बनाए, मैंने कब मना किया है, हमको क्यों बनाते हैं? थोड़ी देर पहले आप सियासी लीडर से बात कर रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात हो गए, जो काम ARY वन वर्ल्ड ने किया है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, ये बहुत अच्छी कवरेज थी, बहुत अच्छी। और मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ। मुबारक पेश करता है, सारे फोकट के प्रोग्राम थे। काय के थे प्रोग्राम? फोकट के। फोकट के क्या फायदा ऐसे प्रोग्रामों का जिसमें टक्के की आमदनी नहीं हो? सियासतदानों को टीवी के ऊपर आने का बहुत शौक है, ठीक है नहीं? उनके जहाज का टिकट की पेमेंट ARY कर रहा है, मेकअप ARY करता है, उनको होटल में ARY ठहराता है, उनको खाना ARY खिलाता है, उनको ट्रांसपोर्ट ARY प्रोवाइड करती है, जो कंपेयर होता है उसको ARY पेमेंट करता है, और बात करते हैं आके अपनी पार्टी की। मैं तो ऐसे प्रोग्रामों को मानता ही नहीं हूँ जिसकी स्पॉन्सरशिप जो है ना जीरो हुए और जिसकी रिपीट वैल्यू भी नहीं हुए। मगर सर आप देखें कि उन प्रोग्रामों की वजह से ARY वन वर्ल्ड कहाँ पहुँच गया? हाँ, वहाँ पहुँच गया जहाँ उसको पहुँचना नहीं चाहिए था। एक सियासी प्रोग्राम का मेज़बान मेरे पास आया और आके मेरे को बोलने लगा कि सर जो पब्लिक है ना उसको मेरी दांतों पे एतराज़ है, आप ARY मेरी 32 नहीं लगवा दे। मैंने उसको बोला ठीक है, हम ARY 32 लगवा के देता है, तू ऐसा कर आगे के जो 3 दांत है उस पे ARY लिखवा ले, अगर तू राजी है तो मैं कल ही जो है ना 32 का ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं माना, चला गया। अभी देखो 1.5 साल से मेरी दाढ़ में दर्द है, मैंने तो ARY को नहीं बोला कि मेरी दाढ़ निकलवा दो। सर इस तरह की फरमाइशें लोग आपसे इस वजह से करते हैं कि आप लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, बताऊंगा। हाँ, किसका फोन था सर? निर्मा का। निर्मा का फोन था, कह रही थी कि मैं आपके साथ प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, लेकिन ये इकबाल भाई के फोन पे उसका फोन कैसे आया? खैर, वो सर आपके साथ प्रोडक्शन करना चाहती हूँ शायद कह रही होगी कि वो जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहती है, लेकिन इकबाल भाई के फोन पे कैसे फोन आया ये आप सोचिए, मैं ज़रा
बात कर लें। आप लोग इश्तहार देखें, गुफ्तगू जारी है। जी सर, वक्फा ख़त्म हुआ। सर, स्टाफ मैं देख रहा था बहुत खुश है आज, मगर थोड़ा सा मुझे परेशान भी लगा। तो मैंने पूछा एक से कि भाई परेशानी की वजह क्या है, तो किसी एक ने कहा कि बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहरबान हैं, मगर तनख्वाह के पैसे 28 तारीख को देते हैं। आप कुछ सोच रहे हैं? ये इकबाल भाई के फोन पे निर्मा का फोन कैसे है? सर वो तो हो गया, गलती से आ गया होगा, आजकल नंबर भी गलत मिल जाते हैं। क्या सवाल क्या है आपका? कि आप लोग, स्टाफ बहुत अच्छा है, आप लोग इतने अच्छे मालिक हैं और सब आज खुश हैं आपके जश्न में। खुश हैं, जश्न है, मगर एक साहब ने बताया मुझे कि आप लोग स्टाफ को तनख्वाह 28 तारीख को क्यों देते? तू अगर स्टाफ वालों की शक्लें देख लेना तो तू कहेगा इनसे को तनख्वाह देनी नहीं, इनसे तनख्वाह लेनी चाहिए। सर चलिए, ये आपकी पॉलिसी है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। QTV पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी देखा जाता है। देखते हैं, बहुत पॉपुलर चैनल, मजहबी चैनल है जी। लेकिन अभी एक खराबी हो गई है कि कव्वाल पैसे बहुत मांगने लगे हैं, मना करो तो अपने पीर साहब के लिए कहते हैं जाके खाली। सिर्फ एयर बाय सारी दुनिया में देखा जा रहा है। सारी दुनिया में देखा जा रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देख रहे तो देखने देने, तू इंटरव्यू बंद कर। आखिरी सवाल से? नहीं नहीं, आखिरी सवाल 2000 रुपये का सवाल होगा और 2000 रुपये जवाब के 4000 कमा लेगा तू। सर प्लीज़, मैंने आपसे पूछा था कि आपके दिमाग में चैनल खोलने का ख्याल कैसे आया। ये सवाल रीकैप है, पहले पूछ चुका है, इसकी पेमेंट नहीं होगी। तू इंटरव्यू बंद कर, मैं तेरे को कमरे में चल के जवाब देता हूँ। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तू इंटरव्यू बंद कर। ऐसा अजीब आदमी है, मालिक बोल रहा है ख़त्म कर और खादिम जो है बोले जा रहा है। एयर बाय वालों की मोहब्बत, बल्कि फनकारों पर इनका एहसान है, बहुत ख्याल रखा है इन्होंने, और जिस मोहब्बत से ये लोग पेश आते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मिसाल के अंदर तूने जो है ना 800 रुपये ले लिए, खाली मिसाल बोलने में इतना टाइम लगा है कि 800 रुपये तूने ले लिए। हम लोग ममनून हैं आपके। देख, ये तुम्हारा जो प्रोग्राम है ना लूस्टॉक, इसमें एंटरटेनमेंट का बजट हमने 100 रुपये रखा है। कितने ज़्यादा रखे हैं 100 रुपये हमने। अब मैं वो एंटरटेनमेंट बजट भी कम करूँगा, 50 रुपये करूँगा। बहुत बोतलें पीते हो तुम लोग, बहुत पेटिस खाते हो, बताऊंगा ना मैं तुम लोगों को। इंशाल्लाह ARY की अगली सालगिरह पर सेठ साहब से दोबारा मुलाकात होगी। ऐसे कैसे लूट मची है बाप का राज है, अगली सालगिरह में मुबारकबाद होगी, बातचीत होगी। तू रहेगा इस चैनल पे तो होगी है? नहीं, मेरी जगह नहीं, नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे अभी। आज हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि तेरे को रहना है कि नहीं रहना है। पोले खोलते हैं ना मालिकों की, पैसे भी हमसे लेता है, सिविक भी दिए तेरे को नई, और क्या क्या अभी बोलूं सब मुझसे। आप बोल चुके हैं सर पिछले प्रोग्राम में, बोला है जब भी होएगा मैं बोलूंगा। पता है कि जब भी होगा बातचीत होगी। अब देख तू टाइम बढ़ा रहा है, पैसे बढ़ा रहा है अपने, खत्म कर इंटरव्यू। इजाजत दीजिए। ARY जिंदाबाद पाकिस्तान। एक सेकेंड। हेलो, हाँ पे, हाँ मैं क्या करूँ, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। देखा ने, इकबाल भाई को नाराज हो गए ने, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, वो कह रहे हैं 40,000 रुपये की बातचीत कर ली है इसने। खुदा हाफिज़।